अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो स्पीकर है उसका नाम है मलिक असलम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू ऑल। आई गोट 204 सब्सक्राइबर विद इन वन और टू डेज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा व्हाट इज डोमेन, डोमेन टाइप्स एंड बेस्ट डोमेन प्रोवाइडर, होस्टिंग टाइप एंड बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर। ठीक है, अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डोमेन क्या होती है। यहाँ पे अगर हम facebook.com लिखते हैं, जो भी ऊपर नाम आएगा ये डोमेन होती है। ठीक है, ये आपके लिए याद रखने के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन बेसिकली डोमेन क्या होती है, डोमेन एक तरह का IP एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ MyIP, ये IP एड्रेस आ गया। ठीक है, अब इस तरह के डिजिट्स को, इस तरह के नंबर को याद रखना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या किया जाता है कि ये IPs को हम करेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और सिंपल नाम लिख देते हैं। अब जो भी डोमेन बाई करेंगे यही वाला बेसिकली IP ही कॉल हो रहा होता है और वो करेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसको याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो अगर हमने अपनी मर्ज़ी से कोई नेम चूज़ किया है, वो याद रखना हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए इजी रहता है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगर आपको अपनी उस डोमेन का IP एड्रेस पता है तो भी IP एड्रेस टाइप करने से आपकी डोमेन ही ओपन होगी। ठीक है, ये बेसिकली इसका कंसेप्ट है, डोमेन क्या होती है। अगर आप सिंपल याद रखना चाहते हैं, ये जो ऊपर नाम होता है इसको डोमेन कहते हैं, दैट्स इट। अगर कोई मजीद इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहता है, तो गूगल कर ले। इसमें ये पहली साइट दूसरी साइट ओपन करेगा, तो मजीद गो थ्रू कर लेगा। ठीक है, अब डोमेन टाइप्स क्या होती हैं, इसमें मैं एक बताता चलूँ आपको। जो मेन टाइप्स होती हैं वो मैं कह दूँ EMD, पार्शियल मैच और ब्रॉड डोमेन, ब्रॉड या ब्रांड से जो डिफरेंट कहते हैं। अब EMD डोमेन बेसिकली वो होती हैं जो आपका मेन कीवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस वर्ल्ड कप को टारगेट किया था, उसमें अगर हम कहें कि ICC Cricket World Cup 2019.com, ठीक है, मेन कीवर्ड हम कंप्लीट यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होगी, एग्जैक्ट मैच डोमेन, EMD डोमेन या एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक है, अब पार्शियल कीवर्ड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ ICC Cricket World Cup, उसमें मैं 2000 नहीं ऐड करता। ठीक है, वो मजीद आगे भी चलेगी, कंप्लीट टारगेट कीवर्ड मैं नहीं कर रहा, ये पार्शियल में भी आ जाएगी। ब्रॉड क्या होगा, अगर मैं इसमें कह दूं कि sports.com, स्पोर्ट्स में क्या, हॉकी भी आ गई, फुटबॉल भी आ गई, क्रिकेट भी आ गई, ये ब्रॉड आ जाएगी, ये ब्रॉड डोमेन्स होंगे। ठीक है, अब इसमें मजीद हमारे पास TLDs होती हैं, .com, .uk, .ca.com। ठीक है, ये होगी बेसिकली टॉप लेवल डोमेन। अगर कोई कंट्री आ रहा है, .uk आ रहा है, .k आ रहा है, .in आ रहा है, ये हो जाएंगी कंट्री कोड लेवल डोमेन। ठीक है, अब ये हो जाएगी हमारे पास सेकेंडरी डोमेन, जिसमें कंट्री कोड के बाद प्रीवियस पे जो है ये सेकेंडरी लेवल डोमेन। अब मजीद भी होती है हमारे पास सब डोमेन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी डोमेन है malikaslan.com, ठीक है, मैं इसमें मजीद ऐड करता हूँ ask.me malikaslan, ये हो जाएगी मेरी सब डोमेन। ठीक है, ये हम आगे मजीद बाय करेंगे, मैं आपको बनाना बताऊँगा कि किस तरह से सब डोमेन क्रिएट की जाती है। अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास बेस्ट डोमेन प्रोवाइडर कौन से हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो तो बेसिकली एक गोल आइडिया, लेकिन लिटरली मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बैड रहा है अनफॉर्चुनेटली। इसमें आपको डोमेन, अच्छा डोमेन या होस्टिंग बाय करने से पहले आपने एक काम करना है कि हनी एक्सटेंशन
एक्सटेंशन का नाम है, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे हनी एक्सटेंशन। मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी ऐड है, जी ऑलरेडी ऐड है। ये हनी एक्सटेंशन ऐड करेंगे, ये ऊपर हनी एक्सटेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप किसी भी साइट पे जाएंगे, होस्टिंग वाली, डोमेन वाली या ऑनलाइन परचेजिंग वाली, इवन दराज, तो हनी एक्सटेंशन क्या करती है कि अपनी सारे कूपन कोड कलेक्ट करती है। आप जब चेकआउट करने लगते हैं तो इसकी मदद से आप कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कम प्राइस में वो चीज़ बाय हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने एक्सटेंशन पहले इंस्टॉल कर लेनी है, उसके बाद डोमेन या होस्टिंग बाय करनी है। सबसे पहले एक ये गोडैडी यूज़ किया जाता है, इसके बाद नेम चीप है, ये बेस्ट है मेरे लिए। मैं अपनी जितनी डोमेन बनाई यहाँ से बाय करता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और नेम सिलो है, यहाँ से भी डोमेन बाय की जाती है। इसमें मैं एक मज़ीद आपको की चीज बताता चलूं, ठीक है, ये एक साइट आ गई है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आजकल सबसे कम प्राइस में किस वेबसाइट से आपको डोमेन मिल रही है। ठीक है, इसका लेआउट ज्यादा इजी है, मैं पहले यहां से समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आपने न्यू डोमेन बाय करनी है, न्यू डोमेन का वो आपको बता देगा कि गोडैडी.com से $3 में मिल रही है, गोडैडी से इतने डॉलर में मिल रही है, alldomains.com से इतने में मिल रही है, ये सब की लिस्ट आपको बता देगा। ठीक है, .com डोमेन इन तमाम साइट्स पे इतने इतने डॉलर्स की मिल रही हैं, तो आपने पहले ये चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये मैं बेसिकली ये काम तब करता हूँ जब मैंने एक्सपायर्ड डोमेन को रजिस्टर करना। अगर आपने न्यू डोमेन करनी है, लॉन्ग टर्म चलाना है, तो मैं ट्रस्टी साइट से करता हूँ या इंटरनेशनल साइट से, वो मैं नेम चीप ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, कंट्री लेवल डोमेन, एक कंप्लीट कंट्री लेवल डोमेन आ जाएगी, .co, .io, .my.pk सारा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब कॉमर्स लेवल, ये सारी साइट्स आ जाएंगी, इसे मैं ख़त्म कर सर्विस अगर हम देना चाहते हैं उस एक्सटेंशन की डोमेन आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मास्टर एकेडमी, ठीक है, seomasteracademy.club जो अवेलेबल होंगी, इधर ग्रीन आ जाएगा आपके पास, ये ग्रीन आ गया। ठीक है, ये आप ड्रीम होस्ट से बाय कर सकते हैं $0.99 में। ठीक है, पोर्ट मन से ये इतना भी मिलेगी, पॉपुलैरिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको डोमेन .com की चाहिए, .com आई थिंक कमर्शियल में होती है, बिल्कुल, खैर आपने ये फिल्टर लगा लेने हैं, यहाँ से आपको डोमेन पता चल जाएगा कि कौन सी साइट्स पे सस्ती डोमेन मिल रही हैं, आपने वहाँ से भी डोमेन बाय कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू डोमेन इतने में मिल रही है, रिन्यू करवानी है कोई डोमेन, तो इन तमाम साइट्स पे की प्राइस उसने बता दी है, ट्रांसफ़र करनी है, ट्रांसफ़र की प्राइस इसने बता दी है। ठीक है, ये एक बेस्ट वेबसाइट है, मैं ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये तो अब हो गई हमने डोमेन बाय कर ली, मैं बाय करना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास होस्टिंग और इसकी टाइप्स। ठीक है, होस्टिंग में हम कह देते हैं कि हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग और VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। इसके अलावा मज़ीद टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन आप इन्हीं को ही समझ लें, ये काफ़ी है। ये शेयर्ड होस्टिंग वो होती है जिसमें कंपनीज क्या करती हैं कि एक ही सर्वर पे थाउजेंड ऑफ साइट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब आपकी छोटी छोटी साइट्स हैं उसके लिए तो ये काफ़ी है, ये बेयरेबल है। अगर आपकी बड़ी साइट है, ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, तो आपकी होस्टिंग
डाउन हो जाएगी, साइट ओपन नहीं होगी, तो उसके लिए इशू है। हम ये स्टार्ट साइट्स के लिए शेयर्ड होस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसका कंसेप्ट देता चलूँ, शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। वीपीएस होस्टिंग क्या होती है? वीपीएस होस्टिंग में भी यही बेसिकली हो रहा होता है कि एक ही सर्वर है उस पर मुख्तलिफ साइट्स होती हैं। शेयर्ड होस्टिंग में भी एक ही सर्वर है उस पर मुख्तलिफ साइट्स होती हैं। इसमें थाउजेंड ऑफ साइट्स हो सकती हैं, इसमें 10 होंगी, 20 होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी, इसमें कम साइट्स होती हैं। सर्वर दोनों में ही एक ही होता है। इधर मैं मजीद कंसेप्ट क्लियर करता चलूँ कि शेयर्ड होस्टिंग है, एक ही सर्वर रिसोर्सेज है, सारी साइट्स यूज करें, ये साइट, ये साइट, ये साइट, ठीक है। अब वीपीएस होस्टिंग में क्या होता है कि एक ही सर्वर है, उसका कुछ हिस्सा हमने एक साइट को प्रोवाइड कर दिया, दूसरा हिस्सा दूसरे रिसोर्सेज, दूसरी साइट को, नेक्स्ट रिसोर्सेज, नेक्स्ट साइट को, एंड सो ऑन, ठीक है। ये वीपीएस होस्टिंग हो गई। डेडिकेटेड होस्टिंग कौन सी होती है? डेडिकेटेड होस्टिंग ये होती है कि कंप्लीट सर्वर आपके पास है, आपकी साइट सिर्फ एक ही सर्वर पे रन कर रही है। जिस तरह से इनकी फंक्शनैलिटी चेंज होती जा रही है, इन सबकी प्राइस भी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, शेयर्ड होस्टिंग सबसे सस्ती मिलती है, उसके बाद वीपीएस होस्टिंग उससे महंगी, डेडिकेटेड होस्टिंग उससे महंगी, क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में मोर देन वन सर्वर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक सर्वर डाउन होता है, आपकी साइट डाउन नहीं होगी, वो नेक्स्ट सर्वर उसको हैंडल कर लेगा। इसका मैं आपको आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलूँ, ये क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सर्वर डाउन हो गया है, नेक्स्ट काफ़ी सारे सर्वर हैं जो इस आपकी साइट को डाउन नहीं होने देंगे, ठीक है। ये हो गई होस्टिंग। होस्टिंग इसलिए यूज करते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स। अब हम चलते हैं कि बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर कौन से हैं। बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर में एक तो मैं नेमचीप है, जिसकी होस्टिंग सस्ती है, इजीली मिल जाती है। अब अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएं तो साइटग्राउंड इज द बेस्ट वन, यस। एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो इनकी होस्टिंग बेस्ट है इस वक्त, अच्छा। एक अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं WPS EX होस्टिंग पे। ये थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन ये टॉप वन है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पीड, ठीक है। इसके बाद WP होस्टिंग पे आ जाते हैं। अगर आपकी साइट सिर्फ वर्डप्रेस पे ही है, मजीद प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रही, उसके लिए ये बेस्ट है, लेकिन ये भी कॉस्टली है। नेमचीप है कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपका बजट मजीद कम है, स्टार्टअप पे हैं, तो पाकिस्तानी होस्टिंग ही यूज़ करें। पाकिस्तानी होस्टिंग में मैं आपको बता चलूँ, सिंबल होस्ट है ये हमजा अरशद भाई की है, जिसमें ये मजीद ऑप्शन फंक्शनैलिटीज वर्क नहीं कर रही, सिर्फ एक शेयर्ड होस्टिंग की ही कर रही है। इन्होंने आई थिंक ये कम्युनिटी के लिए बनाई है, इससे इतना कुछ अर्न नहीं कर रहे, लेकिन ये बेस्ट होस्टिंग है। मैंने इसे चेक किया, ये आपकी ट्रैफिक 1000 रियल टाइम पे इजीली मैनेज कर लेती है, अगर आपकी साइट ऑप्टिमाइज है, ठीक है। इसके डिफरेंट पैकेज हैं, ये हम इंशाल्लाह कल बाय करना भी मैं आपको बताऊंगा। सिंबल होस्ट से बाय कर सकते हैं, ये डिफरेंट साइज थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, डोमेन बाय, उसमें हम करेंगे होस्टिंग बाय करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।